ना बेटा, किसी बॉडी को हीट करने वाले हैं तो हम तो लिक्विड को भी हीट कर सकते हैं, सॉलिड को भी हीट कर सकते हैं बच्चा, और गैस को भी हीट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? तो कहेगा मेन फोकस हमारा है बेटा हीटिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, है ना बेटा। गैस की हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। गैस के लिए हमारे पास अलग चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स, है ना। तो देख बच्चा, हीटिंग ऑफ सॉलिड और लिक्विड की बात करें, आ जाओ। तो देख बच्चा, अगर किसी बॉडी को हम हीट करते हैं ना बेटा, हीटिंग ए बॉडी, है ना। तो देखा होगा तुमने, बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, है ना? बहुत बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम किसी बॉडी को हीट करते हैं बेटा और हम चेंज इन टेम्परेचर देखते हैं। बोलो, सही बात है ना। बॉडी को हमने हीट किया बेटा और टेम्परेचर में चेंज आया, ये बहुत कॉमन सी बात है ना। लेकिन ऐसा भी होता है बेटा कभी कभी, है ना, कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। बोलो, है ना। जैसे कि देख बेटा, आइस, आइस अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे गर्म करोगे तो क्या होगा, वो पानी बनेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, है ना बेटा। वाटर बॉइल करना शुरू किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना बेटा। अब बॉइल हीट देते जाओ उसको और वो वेपराइज होता जाएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, है ना बेटा। तो हीट हमारा दो तरह का, चेंज इन टेम्परेचर वाला और दूसरा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर वाला, है ना बेटा। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जानते हैं हम लोग, है ना बेटा। लेकिन क्या हम लोग हीट महसूस करते हैं? नेवर। हम लोग हमेशा महसूस करते हैं क्या? टेम्परेचर, है ना बच्चा, ठीक है। कभी ठंड ज्यादा लगती है, देखते हैं आज कितना टेम्परेचर देखा जाए, देखते हैं में ना, मतलब ठंड लगना है तो हम सोचते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, है ना। तो हम कहेंगे बेटा, हम टेम्परेचर को सेंस करते हैं, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग हीट, है ना बेटा। तो अगर हीट के साथ साथ टेम्परेचर में चेंज आया तो ये हीट महसूस करने के लायक है ना। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेटा सेंसिबल हीटिंग, है ना। इसको बोलेगा सेंसिबल हीटिंग। किसको बोलेंगे बेटा? जब किसी बॉडी को हीट करें और उसके टेम्परेचर में बदलाव दिखे, है ना बेटा। बॉडी को हम कूल करें, उसके टेम्परेचर में बदलाव दिखे, है ना, तो हम कहेंगे हीट कौन सा है, ये सेंसिबल, सेंस करने के लायक, ठीक है। अब क्या बेटा, विदाउट चेंज, अब क्या टेम्परेचर में चेंज हमारा नहीं आया, है ना बेटा, इसको क्या कहेंगे, लैटेंट हीट, है ना, ठीक है। ये क्या है, लैटेंट हीट, ठीक है, लेटा हुआ हीट, इसके पास कोई सेंस नहीं है, नॉनसेंस है पूरा ये। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं हीट करने का मतलब टेम्परेचर में बदलाव, हीट तो होगा लेकिन टेम्परेचर में बदलाव नहीं होगा, है ना। तो देख बेटा, अगर हम टेम्परेचर और हीट का ग्राफ बनाएं, ये हमारा है बेटा क्यू, क्यू सिंबल दे रहे हैं किसका, हीट का, और यहां टेम्परेचर हमारा बेटा कैपिटल टी, ये हमारा सिंबल दिया मैंने टेम्परेचर का, ठीक है। जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे बेटा, वैसे वैसे बढ़ेगा टेम्परेचर, है ना। तो पहले क्या हुआ कि हमने हीट किया बच्चा, तो हीट करने से बढ़ा टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे हीट दिया वैसे वैसे बढ़ता गया टेम्परेचर, है ना बेटा, ठीक। और एक ऐसा पॉइंट आया जिस पॉइंट पे के टेम्परेचर को हम बोलेंगे बेटा क्या, अच्छा रुको, ऐसा कर लेते हैं बेटा, इसको क्यू कर लेते हैं, ठीक है, और इसको कर लेते हैं टी। टी हमारे लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हम टेम्परेचर के वेरिएशन को ही देख रहे हैं, है ना। तो देख बेटा, हीट देते गए, टेम्परेचर बढ़ता गया, है ना, बढ़ते बढ़ते जो टेम्परेचर पे आया, है ना बेटा, इसको हमने कहा क्या, ये बेटा एमपी, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब मेल्ट करना शुरू हुआ, है ना, जब तक पूरा मेल्ट नहीं करेगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, है ना बेटा। तो अभी हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट। लेकिन देखो हीट बढ़ता गया ना, है ना बेटा। अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कहता है बेटा कि पूरी तरह से मेल्ट हो चुका, पूरी तरह से मेल्ट हो चुका, ठीक है। अब जब हीट करोगे बेटा तो
तो पूरा लिक्विड बन चुका है ना, अब टेम्परेचर बढ़ना फिर शुरू होगा, फिर बढ़ेगा टेम्परेचर, फिर कहेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना बेटा। जैसे हीट अब्सॉर्ब करता गया वैसे वैसे बढ़ता गया टेम्परेचर, है ना। और मान लो कि वो पॉइंट हमारा आया बेटा जिस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कहेंगे, है ना, मतलब अब लिक्विड वेपराइज होना शुरू होगा, ठीक है। तो यहां कहेंगे वेपराइजेशन स्टार्ट बिगिन, है ना बेटा। और ये तब तक जब तक कि पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना बेटा। फिर हीट करोगे फिर बढ़ेगा टेम्परेचर, है ना। तो ये पूरा फिर बन गया, और हीट करोगे बेटा तो फिर बढ़ेगा टेम्परेचर, है ना। लेकिन इसे बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे बेटा, हम यहाँ डॉट ड्रॉ करके छोड़ देंगे, है ना। इसके बाद क्या है तो कहेंगे अननोन, हमारा चैप्टर से बाहर निकल गया ये, है ना, हमारा चैप्टर यहीं तक है, है ना। आगे बढ़ेंगे तो इंटर कर जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में, कैलोरीमेट्री में, वेपर आ गया, है ना बेटा। और टेम्परेचर गर्म करो ये बन जाएगा रियल गैस, फिर बिहेव करेगा आइडियल गैस, है ना। फिर पूछेगा कैसे गर्म करना है, झमेला तो नहीं पालना है, सिर्फ गर्म करना है, ठीक है ना। तभी हम बात कर रहे हैं बेटा क्या, लिक्विड और सॉलिड की हीटिंग, है ना। तो देख बेटा हमारे ग्राफ में जो ए से बी का पोर्शन है, फिर सी से डी का पोर्शन है, और फिर ई से आगे है, वो क्या है, सेंसिबल हीटिंग, है ना बच्चा। और जो बी से सी है और जो डी से ई है बेटा, वो क्या बोलो, लैटेंट हीटिंग, है ना, ठीक है। फिर पूछे बोलो ए से बी में क्या किया तुमने, तो क्या कहोगे, हमने हीट किया, किसको हीट किया, इन सॉलिड फेज, है ना बेटा, किस सब्सटेंस को सॉलिड फेज में हमने हीट किया, ठीक है। और मैं कहूं बी पॉइंट क्या था, तो कहेंगे बी पॉइंट वो था बेटा जब मेल्टिंग स्टार्ट हुआ, बोलो बेटा मेल्टिंग बिगिंस, बोलो, ठीक है। और सी पॉइंट क्या हुआ, बोलो मेल्टिंग कंप्लीट, बोलो पूरी तरह से मेल्टिंग कंप्लीट हो गया, ठीक। सी से आगे क्या किया हमने, लिक्विड को हीट किया, है ना। और डी में क्या हुआ, वेपराइजेशन स्टार्ट। ई पे क्या हुआ, वेपराइजेशन कंप्लीट। ई से आगे क्या हुआ, हीटिंग इन वेपर फेज, ठीक है, लिख लो इसको। एक बच्चा लिख रहा है बहुत मजा आ रहा है क्लास में, चार क्लास हो चुका है और पता ही नहीं चलता कि दिन भी कुछ होता है, हम लोग सुबह देखते हैं फिर शाम देखते हैं। ये टेंथ क्या है, टेंथ का कुछ लिखा है मैंने, टेंथ क्या, टेंथ तो कहीं लिखा नहीं मेरे बेटे, पूछ रहा है केटीजी कंप्लीट हो गया क्या, कंप्लीट वही होता है बेटा जो शुरू होता है, अभी शुरू नहीं हुआ ये, हाँ नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, फ्रेश फीलिंग आ रही है इसको। हो गया, सी था बेटा मेल्टिंग कंप्लीट, है ना बेटा। डी, डी था बेटा वेपोराइजेशन स्टार्ट, है ना बेटा, वेपोराइजेशन बिगिंस स्टार्ट हुआ। ई पॉइंट हुआ हमारा वेपोराइजेशन कंप्लीट, मतलब पूरा हमारा सिस्टम वेपर में कन्वर्ट हो चुका है ना। और कहें बेटा ई ऑनवर्ड्स,
ई से आगे, तो ये बेटा हीटिंग इन वेपर फेज, बोल बेटा हीटिंग इन वेपर फेज, ठीक है। तो इसमें बताओ ए से बी क्या था, सेंसिबल ग्लैटेंट, सेंसिबल है ना बेटा। इसमें हमारे कुछ सेंसिबल हीटिंग थी बेटा और कुछ लैटेंट हीटिंग है ना। सेंसिबल हीटिंग कौन कौन सा है, ए बी सी डी ई ऑनवर्ड्स, ई से आगे, और इधर हमारा बेटा बी टू सी और डी टू ई है ना। अच्छा बोलो तो बच्चा, अगर सॉलिड से लिक्विड बनता है तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, मेल्टिंग है ना, और अगर लिक्विड से बनता है सॉलिड तो सॉलिडिफिकेशन है ना, या फ्रीजिंग, ठीक है। और बोलो लिक्विड से अगर वेपर बनता है तो क्या बोलते हैं बेटा, वेपोराइजेशन, और वेपर से बनता है लिक्विड तो कंडेंसेशन है ना, ठीक है। अच्छा बताओ कभी कभी ऐसा भी तो होता है बेटा कि सॉलिड से डायरेक्ट बनता है वेपर, क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन। जब सॉलिड से वेपर होता है बेटा तो वेपर से भी तो होता है सॉलिड, क्या है, रिवर्स सब्लिमेशन, या बोलते हैं बेटा फ्रॉस्टिंग, ठीक है, रिवर्स सब्लिमेशन या फ्रॉस्टिंग। ये सब्लिमेशन ही है, फ्रॉस्टिंग ये लिक्विफिकेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, बिल्कुल सही बात। अच्छा बताना बेटा एक वर्ड और भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन, बिल्कुल सही बात है ना। वेपोराइजेशन अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट है ना बेटा, बट इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स है ना। जैसे कि कमरे में कहीं पानी गिर जाए अपने आप सूख जाता है, वो अपने आप सूख जाना क्या है बेटा, इवेपोरेशन है, वो वेपोराइजेशन नहीं है, है ना, ठीक है। किसी कमरे में है ना खाना बन रहा हो, बढ़िया स्मेल आई, क्या है ये, इवेपोरेशन है ना, लिख लिया जाए इसको। चिकन नालायक, अभी यही बर्ड फ्लू फैला है, नाम मत ले, हो जाएगा तेरे को। इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, सही बात है। मुझसे पूछ रहा कि मैं मास्क क्यों लगाया हूं, अच्छा लगता है। हो गया, अब चलो बात करें, ये तो बात की बता हमने इवेंट की ना, ये तो बात की बच्चा हम लोगों ने इवेंट की है ना। अब चलो बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ हीट की है ना। मेजरमेंट ऑफ हीट के लिए हम बात कर रहे हैं बेटा सेंसिबल हीटिंग पैरामीटर्स की है ना। सेंसिबल हीटिंग पैरामीटर्स मतलब कौन सा बॉडी कितनी हीट एब्जॉर्ब करके कितना टेम्परेचर राइज देगा है ना। तो देख बेटा कौन सा बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करके कितना राइज इन टेम्परेचर देगा, इसके लिए हमने सबसे पहला टर्म डिफाइन किया हीट कैपेसिटी, ठीक है, इसको लिखा मैंने बाय कैपिटल एच, ठीक बेटा। हीट कैपेसिटी क्या है, तो कहना हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और
रिलीज्ड है ना बेटा, पर यूनिट राइज और फॉल इन टेम्परेचर है ना बेटा। एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने के लिए जितना हीट एब्जॉर्ब किया या एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटने के लिए जितना हीट वो रिलीज किया वही उसकी हीट कैपेसिटी है ना। तो H का डेफिनेशन क्या हुआ, H इज dQ अपॉन dt ना बेटा, dQ अपॉन dt है ना। इसका मतलब क्या हुआ, dQ इक्वल टू एच dt, बोल बेटा कि टेम्परेचर है, अगर हम कहें बेटा कि H कांस्टेंट है, H अगर हमारा कांस्टेंट है इसका मतलब कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। कांस्टेंट का मतलब सिर्फ वेरी से नहीं बेटा, कांस्टेंट का मतलब क्या, किसी और के रेस्पेक्ट में वेरी करे चलेगा है ना, बस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में नहीं वेरी करना चाहिए है ना बच्चा। तो कहेंगे क्या हो जाएगा ये, डेल्टा क्यू इक्वल टू एच डेल्टा टी है ना बेटा, है ना। जैसे एक कह रहा है बेटा हमसे कि एक बॉडी लो उसको एक डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करो है ना, जितना हीट तुमने दिया वही उसका हीट कैपेसिटी है बच्चा है ना, ठीक है। तो सोचते हैं कि ये बताओ अगर हम पानी लें और कॉपर लें दोनों को एक डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें बेटा, क्या बराबर हीट लगेगा, नहीं ना, ठीक। तो इसका मतलब कि पूछे हमसे कि ये बताओ एच किस पे डिपेंड करता है ना। तो पहली बात समझ में आई, कितना किस पे डिपेंड करता है बेटा, क्वालिटी ऑफ मैटर, बोल बेटा किस मैटर को गर्म करना है, बोलो कॉपर को, एल्युमिनियम को, स्टील को, पानी को, किसको, आजकल तो पानी गर्म ज्यादा होता है, बोलो सही बात है कि नहीं। इसको नहीं समझ में आ रहा है वो पक्का नहाता नहीं है समझ में आ गया वो नहाता है तो देख क्वालिटी ऑफ मैटर तो हो गया बेटा है ना। अब सोचते चलो क्वालिटी फिक्स कर लिया जाए, पानी बात करें, एक ग्लास पानी एक बाल्टी पानी दोनों में क्या बराबर हीट लगेगा, नहीं ना बच्चा। तो बताओ क्वांटिटी ऑफ मैटर है ना बेटा, ठीक है। अब सोचते हैं क्वांटिटी भी फिक्स कर दो, क्वालिटी फिक्स कर दो, क्वांटिटी फिक्स कर दो, एक ग्राम है ना। तो वाटर ही और आइस ही दोनों तो एक ही है, दोनों केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही है ना बेटा, जब तक छुओ नहीं उसको, दोनों केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही ना बच्चा, लेकिन फेज क्या अलग अलग है ना, तो उन दोनों की कहानी भी अलग होगी बेटा। तो क्या कहेंगे बोलो, और कौन सा फेज ऑफ सब्सटेंस है ना बेटा। तो क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे और फेज ऑफ सब्सटेंस पे, इस पे डिपेंड करता है हीट कैपेसिटी, लिख लो। फेज पे कैसे डिपेंड करता है पूछ रहा है ये, अभी तो सेंस करने की बात है ना बच्चा कि फेज पे कैसे डिपेंड कर रहा है। हो गया, दूसरा हमारा बेटा सेकेंड टर्म लिख रहे हैं हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम डिनोट कर रहे हैं बेटा स्मॉल एस से, ठीक है। ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड है ना, और यहां एक टर्म जोड़ दिया पर यूनिट मास, ठीक है ना बेटा। तो पर यूनिट मास, पर यूनिट राइज और फॉल इन टेम्परेचर है ना, मतलब एक किलोग्राम के लिए फिक्स हो गया अब है ना बेटा। तो dQ by T में क्या डिफिनेशन होगा इसका, तो कहेंगे S इक्वल टू 1 by M dQ by DT। तो dQ हो जाएगा बच्चा इसका M S DT,
है ना, तो फिर से कहेंगे अगर हमारा s कांस्टेंट है बेटा, s कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, m s डेल्टा t, है ना बेटा। अब मुझे क्वांटिटी बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि फिक्स कर चुके हैं 1 किलोग्राम ना बेटा, तो कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्वालिटी ऑफ और स्टेट पे, है ना बेटा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कुछ डाटा याद रखो, जैसे वाटर के लिए, वाटर के लिए बेटा होता है ये 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। मतलब पानी के 1 ग्राम वजन को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने में 1 कैलोरी की हीट लगती है ना, ठीक है। और कहोगे अगर आइस, तो बेटा आइस के लिए, आइस के लिए या वाटर वेपर के लिए, है ना बेटा, ये वैल्यू होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, इसको याद कर लेना, है ना बेटा। एडवांस वगैरह क्वेश्चन में अगर आएगा ना, तो हालांकि हर क्वेश्चन में डाटा दिया होता है किस मटेरियल कितना होता है ना, लेकिन मेंस वगैरह में हो सकता है वाटर आइस डाटा दिया हुआ ना हो। मेटल्स का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा पानी से कम होता है ना। तो बोलो बेटा अपना सेंस से बताओ, सैंड और वाटर में ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होती होगी, सैंड या वाटर की, बोलो, वाटर की। अच्छा ऐसे बोलो, तुमसे मान लो एक बॉडी ए एक बॉडी बी, दोनों बॉडी को बेटा हमने बराबर मास लिया, ए और बी दोनों को हीट दिया, बराबर हीट दिया, लेकिन ए का राइज इन टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो बी का राइज इन टेम्परेचर कम है, तो बताओ ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस में है, ए में कि बी में, बी में, है ना बेटा, है ना बी में। यूं समझना कि हीट देने का मतलब क्या हुआ, कोई इवेंट, है ना बेटा, और टेम्परेचर क्या है उसका इफेक्ट, जैसे किसी से मजाक करो वो हीट है और बुरा मान रहा है तो क्या टेम्परेचर है, छोटा सा मजाक किया ज्यादा बुरा मान गया तो क्या कहेंगे, कैपेसिटी कम है उसमें, क्षमता कम है बर्दाश्त करने की, है ना। बोलो खूब मजाक करो, है ना, जितना गंदा कर सकते हो करो, फिर भी हंसते रहे दांत नाथ निकालते रहे तो क्या कहोगे, बेसर मात बेसर मीन्स मोर कैपेसिटी, है ना। तो टेम्परेचर क्या है, इफेक्ट, और हीट क्या है बेटा उसका, जो इवेंट हम किए, इवेंट इज हीट और टेम्परेचर उसका इफेक्ट। अगर कम राइज इन टेम्परेचर है मतलब कैपेसिटी ज्यादा है, बात समझ गया। और देखो बच्चे आगे, दूसरा हमारा बेटा मोलर हीट कैपेसिटी, जैसे कि देखते ना बेटा सी बीचेस में क्या होता है, दिन के समय सी बीचेस पे सैंड साइड साइड में हुआ और जो वाटर हुआ, दोनों पे बराबर अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन गिर रहा है सनलाइट, है ना बेटा, लेकिन दिन के समय सैंड ज्यादा गर्म होता है ना तो कैपेसिटी कम है ना। तो देखो बच्चा अब क्या है बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, पर यूनिट मास की जगह पे पर यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसका हम लोग देखेंगे बच्चा यूनिट सिंबल सी, इसका सिंबल लिखा हम लोगों ने सी, तो ये बेटा 1/n और ये हमारा है सी, तो ये होगा dq इक्वल टू n c dt। अगर हमारा c कांस्टेंट है तो हम कहेंगे बेटा n c डेल्टा t, ठीक है। c डिपेंड्स अपॉन फिर से भाई क्वालिटी ऑफ मैटर एंड फेज ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट तो फिक्स कर दिया हमने 1 मोल, है ना।
बता दूं, एक पूछ रहा, तो हमें बेशरम बनना चाहिए, तुम्हारा चॉइस है यार, है कि नहीं? हम क्या बनना चाहते हैं? करूं अब देख बच्चे, अगला हमारा टर्म है वाटर इक्विवेलेंट, है ना? ये हमारा है डब्लू, ठीक। क्या है वाटर इक्विवेलेंट? जैसा नाम वैसा ही काम। वाटर इक्विवेलेंट इसका मतलब बेटा इक्विवेलेंट टू वाटर, है ना? ये कहता है बेटा अमाउंट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट टू ए बॉडी एक्स। कोई एक्स बॉडी है बेटा, अननोन बॉडी है, है ना? एक्स बॉडी के इक्विवेलेंट वाटर, है ना, टू एब्जॉर्ब इक्वल अमाउंट ऑफ हीट टू प्रोड्यूस इक्वल राइज इन टेम्परेचर, ठीक है बेटा? जैसे मान ले हमारे पास एक बॉडी है बेटा, बॉडी एक्स, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है? और कहा हमने बेटा कि एक कंटेनर में एक वाटर रखा है, है ना बेटा? और ये पानी कितना है? ये पानी है डब्लू ग्राम, ठीक है? हमने क्या किया कि x को हीट दिया और w ग्राम को भी हीट दिया। जितना हीट हमने इसको दिया बेटा, उतना ही हीट हमने इसको भी दिया, है ना? और अगर इन दोनों में राइज इन टेम्परेचर बराबर है तो हम कह सकते हैं ना बेटा कि ये पानी और ये बॉडी हीट एब्जॉर्ब करने के लिए इक्विवेलेंट है, क्योंकि बराबर हीट लेकर के बराबर चेंज इन टेम्परेचर दिया ना बेटा, तभी कहेंगे W ग्राम इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी एक्स। बात समझे बेटा, है ना? इसकी यूज कैसे करना, इस तरह से कि मान लो कहे कि एक कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर मतलब कोई ज्यादा मत समझना, सिंपल एक बीकर समझ ले बेटा, कॉपर का बना होगा बीकर वो, तो क्या कहेगा एक कैलोरीमीटर है, उस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है, है ना? उस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है ना बेटा? इसका मतलब क्या हुआ कि वो 20 ग्राम पानी के बराबर है, है ना? ठीक। और कहता है कि उसमें 80 ग्राम पानी भर दो, ठीक है? तो अब तुम्हारे पास क्या है, एक कैलोरीमीटर और 20 ग्राम और 80 ग्राम पानी, लेकिन दोनों मिलाकर के अब 100 ग्राम पानी के बराबर है वो। बात समझ में आया ना बेटा? तो कैलोरीमीटर और पानी को गर्म करना 100 ग्राम पानी गर्म करने के बराबर है, यूं समझना है इसको, ठीक है? लिख लो। हाँ सुहानी, सही था वो डिपेंडेंस वाली कंडीशन मोलॉइड कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों के लिए सेम था। मोलॉइड कैपेसिटी ऑफ वाटर या किसी और सब्सटेंस का बच्चा, है ना, हमेशा चेंज करता है, ऐसा नहीं कि वो कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लगभग कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक। लिख लिया बच्चा,
कर दूं, ये सब बातें हुई हमारी सेंसिबल हीट के लिए, है ना। अब बात करें लैटेंट हीट की। लैटेंट हीट की बात करें, ठीक है, तो यहां पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं लैटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। लैटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लिक्विड से वेपर हो रहा हो, या वेपर से लिक्विड हो रहा हो, या सॉलिड से लिक्विड हो रहा हो, है ना बेटा, उस केस की बात चल रही है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो कहेंगे ये हमारा है बेटा अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड, ठीक है, पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे एक ग्राम को फेज चेंज करने में जितना हीट लगेगा बेटा वही हमारा एल कहलाएगा, लैटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी क्यू बाई डी एम, यही हमारा है बेटा एल का डेफिनेशन, ठीक है। इसका मतलब बेटा डी क्यू इज इक्वल टू डी एम इन टू एल, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल, बोलो, ठीक है, ठीक। अगर हम कहेंगे बेटा एल एफ, है ना, तो एल एफ का मतलब क्या है, तो इसका मतलब बेटा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना बेटा। इसका इस्तेमाल कब करेंगे हम, जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो या लिक्विड से सॉलिड बन रहा हो, है ना, ठीक। अगर मुझे कहना है बेटा एक ग्राम सॉलिड को एक ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करना है किस टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे, है ना बेटा, तो कितना हीट लगेगा, तो कहेंगे एल एफ लगेगा, है ना बेटा। एक ग्राम लिक्विड को एक ग्राम सॉलिड में कन्वर्ट करना है फिर से एट मेल्टिंग पॉइंट, है ना, तो हम कहें कितना हीट मिलेगा हमको, एल एफ मिलेगा। लिक्विड से सॉलिड होगा बेटा तो हीट रिलीज करेगा, सॉलिड से लिक्विड होगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना बेटा। लिक्विड से वेपर होगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, वेपर से लिक्विड होगा तो हीट रिलीज करेगा, ठीक है बेटा, है ना। तो एल एफ जो हमारा होता है बेटा, है ना, ये वाटर के लिए होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। क्या लिख दें यहां पे हम, एल एफ फॉर वाटर आइस किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। मतलब एक ग्राम आइस अगर एक ग्राम वाटर में कन्वर्ट होगा किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कितना मिलेगा हीट, 80 कैलोरी। एक ग्राम वाटर एक ग्राम आइस बनेगा तो हीट देगा हमको 80 कैलोरी, लेकिन एक ग्राम आइस अगर एक ग्राम वाटर में जाएगा तो तुम्हें उसको हीट देना पड़ेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा कितना, 80 कैलोरी, ठीक है बेटा, है ना। अब क्या है एलवी, एलवी क्या है, यह है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना बेटा, ठीक। इसका भी यूज करना हम लोग को है जब लिक्विड से वेपर में जाना हो, है ना बच्चा, या वेपर से लिक्विड में आना हो, ठीक है। तो एल एलवी, एलवी फॉर वाटर स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, है ना, 540 कैलोरी।
हो गया बेटा। चलो एक क्वेश्चन लिखो। हाँ क्वेश्चन है बेटा कि ए कैलोरी मीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम कंटेंस 60 ग्राम वाटर, ठीक है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, सवाल कहता है फाइंड फाइंड हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय नहीं टू टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलो करो। लास्ट लाइन यहां लिखा है बेटा, लास्ट लाइन लिक्विड से वेपर में काम आएगा, और लिखा एलवी फॉर वाटर स्टीम, वाटर से स्टीम या स्टीम से वाटर, जो वैल्यू होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। बोलो। संस्कार हैज गॉट द आंसर। आगे बच्चा कितना आया, बोलो बोलो। फाइव हंड्रेड 3200 सेम। देखते बेटा, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी है ना बेटा। एम कितना हो गया, तो कहेंगे 20 प्लस 60। बोलो। ठीक है, ये 20 ग्राम पानी के बराबर और 60 ग्राम पानी इसमें है, तो टोटल पानी हो गया 80 ग्राम है ना बेटा। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1, और टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, तो देख बेटा 20 था पहले, अब 60 हो गया, तो 14 हो गया बेटा। तो सही है, बिल्कुल सही आंसर है 3200 कैलोरी। ठीक, अगला सवाल है बेटा हमारा,
फाइंड मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा, टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चा, करो। जयदीप बोलो। सर वाटर इक्विवेलेंट समझना, बोलो बच्चा। वाटर इक्विवेलेंट समझ नहीं आया। वाटर इक्विवेलेंट समझ नहीं आया। वाटर इक्विवेलेंट मतलब बेटा पानी का इक्विवेलेंस, है ना, किसी बॉडी के बराबर। जैसे कि इस सवाल में देख, कैलोरी मीटर है ना बेटा, ये कैलोरी मीटर यूजुअली कॉपर का बना होता है या किसी और मेटेरियल का भी हो सकता है, ठीक है। तो कहता है कैलोरी मीटर जो है 20 ग्राम पानी के इक्विवेलेंट है। मतलब इस कैलोरी मीटर को गर्म करना और 20 ग्राम पानी को गर्म करना बराबर है। हाँ हाँ, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम रेज होगा बेटा। अगर किसी बर्तन में पानी रखोगे बेटा तो बर्तन का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर सेम ही ना होगा बेटा। हाँ हाँ, है ना। ठीक है सर, सुन। करो करो। सेम 0.5 पता ना, आइस और वेपर का सेम बेटा 0.5 कितना रहा है 500 ना, चेक करो। नो बार्गेनिंग प्लीज, द आंसर इज वेरी हाई ना। बढ़ाओ रेट, बढ़ाओ 7000, ये तो अच्छा है। 5400, 5600, 6200 और 1000, 7200 ना, कम हो गया तुम्हारा भी 7350, 7400, 7400 कैलोरी, दिस शुड बी द आंसर। सलीक का सही आंसर आ गया। देख बच्चा, हमें जो मिला वो मिला 10 ग्राम आइस ना बेटा, ये मिला -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना बेटा, आइस है। अभी इसको गर्म करो तो कहां पहुंचोगे, 0 सेंटीग्रेड आइस, है ना बेटा, ठीक। और ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रोसेस। तो बोल बेटा इस फर्स्ट प्रोसेस में कितना हीट लगेगा हमारा, Q1 ms डेल्टा टी ने बेटा, मास 10 स्पेसिफिक हीट 0.5, चेंज इन टेम्परेचर 20, कितना हो गया बेटा ये 100 कैलोरी, बोलो, है ना बेटा, ठीक। अब देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को हीट दोगे बेटा तो पहले क्या बनेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, ये सेकेंड प्रोसेस। बोल बेटा Q2 कितना, लैटेंट वाले का फॉर्मूला क्या था, ML, है ना बेटा, ML कितना, तो कहेंगे 10 और इनटू 80, तो हो गया बेटा 800 कैलोरी, है ना। अब देख बच्चा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर ही रहेगा। बोल बेटा नंबर 3, तो थर्ड में क्या हो गया, Q3 कितना लगा हमारा, ms डेल्टा टी, ये 10 इंटू एस इंटू 100,
ये हो गया बेटा 1000 कैलोरी है ना। अब इसको और हीट दोगे, और हीट दोगे बेटा तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये हुआ फोर्थ। तो Q4 कितना हो गया देखो, Q4 हो गया बेटा फिर से ML, M हो गया बेटा 10, L हो गया 540, ये हो गया 5400 कैलोरी है ना। अब इसको गर्म करोगे स्टीम को, नंबर 5 पे आओगे है ना बेटा, तो हमारा बनेगा स्टीम एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया Q5, कितना हुआ बेटा ये MS डेल्टा टी 10 इंटू 0.5 इंटू 20 इक्वल टू फिर से आ गया बेटा ये 100 कैलोरी है ना। तो नेट कितना लगा हमारा, Q नेट इन सारे Q को सम कर लो तो कितना हो गया देखो 800, 900, 1900, 1900, 7300, 7300 और 600, ये हो गया बेटा 7400 कैलोरी, 7400 कैलोरी। अब होमवर्क करें डिस्कस, बोलो क्या था होमवर्क, एक्सरसाइज वन पार्ट टू। अच्छा पार्ट वन पूरा करना था और पार्ट टू में सेक्शन ई तक करना था, हाँ बिल्कुल सही कहा, निकला जाए सीट निकाली जाए बच्चा। साउंड वेव पार्ट वन में आया जाए, पार्ट वन में सेक्शन एफ कोई डाउट, ये लिख रहे बैठा है F4 लिखा है बच्चा, देखो F4 में देख दो बेटा F4 क्वेश्चन नंबर F4 पार्ट वन में कहता है बेटा दो पाइप मान लो P1 P2 आर क्लोज्ड एंड ओपन रेस्पेक्टिवली। P1 हमारा है बेटा क्लोज्ड, P1 पाइप है बेटा क्लोज्ड और P2 हमारा है ओपन। ठीक है, P1 का लेंथ है 0.3 मीटर, इसका लेंथ है 0.3 मीटर। फाइंड द लेंथ P2 इफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ P1 is the same as first harmonic of P3 na beta, kehta hai third harmonic of P1 is equal to ye beta first harmonic of P2, to iska formula kya hota hai bolo, closed organ pipe ka third harmonic 3v upon 4l na beta, to ho gaya 3v upon 4l, l ho gaya 0.3 aur ye ho jayega first harmonic open ka beta, तो V upon 2L निकल गया, L बन गया बेटा। आगे चलो, ये लिखा है F1 F2। जीवन में से आगे बढ़ो बेटा, 4 तक आ गए हो तो 4 से आगे चलो, पीछे नहीं। 8 देखो इतना आगे बढ़ा ये, शाबाश। देखो 8 में कहता इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड ए पाइप ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज यूज। देख बेटा क्वेश्चन नंबर F8 में कहता है हमने रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट में जो पाइप यूज किया बेटा, इस पाइप की डायमीटर है बच्चा 5 सेंटीमीटर है ना, और क्या कहता है देखो द एयर कॉलम इन द पाइप रेजोनेट्स
विद ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज है ना। फाइंड व्हेन द मिनिमम लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज 16 सेंटीमीटर। मिनिमम लेंथ मतलब कितना हो गया, लैम्डा बाई 4 ना, बोलो लैम्डा बाई 4 हमारा और प्लस ई जोड़ते हैं बेटा तब ना आता है बोलो 16 सेंटीमीटर। तो कहता है स्पीड ऑफ साउंड कितना है हमारा है, सवाल समझ गए ना बेटा। एयर कॉलम में आता है ना बच्चा एंड करेक्शन है ना, और एंड करेक्शन का वैल्यू कितनी होती है बताओ, 0.3 डी या 0.6 आर, एक ही बात है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा ये 16 सेंटीमीटर। तो देख बच्चा इसमें हमारा कितना आ गया, ये आ गया बच्चा लैम्डा बाई 4 इक्वल टू 16 माइनस 0.3 इंटू 5, ये बेटा 1.5 इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर। इसके मतलब लैम्डा कितना हो गया बेटा 58 सेंटीमीटर ना, बोलो। और फ्रीक्वेंसी पता है बेटा हमको 480 है ना, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर एफ लैम्डा। एफ बेटा 480 और ये कर लो 0.58, इतना आ जाएगा बेटा मीटर पर सेकंड है ना। 300 से कुछ कम आएगा आंसर लग रहा है यार, देखो तो आंसर क्या दिया है। आंसर क्या है हम्म, 56। तो 56 इंटू 6 क्या होगा, 5 6 30, 300, 336 हो गया है। तो लेकिन ये तो 300 से कम आ रहा है, कहाँ गया बड़ा चेक करें। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, लैम्डा बाई 4 इक्वल टू 16 प्लस ई ना होता है बेटा, लैम्डा बाई 4 तो फिक्स ही है, नोड से एंटी नोड, नोड हमारा बाहर है ना, बोलो नोड हमारा बाहर होता है ना बेटा 0.3 डी। तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा बेटा 17.5, 17 और इंटू 4 68, ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 0.7, 7 8 56, 28 और 5 सही है, ठीक है। आगे चलो, 9 चाहिए, लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, ए पर्सन हम्स इन ए वेल एंड फाइंड्स स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस एट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। समझ में आ रहा है, कुआं, एक कुआं कोई बना दिया ऑर्गन पाइप है ना, तो कहता है कुएं में उसके हमिंग की जो आवाज है बेटा उसकी स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस आई है 60 हर्ट्ज पे, 100 हर्ट्ज पे और 140 हर्ट्ज पे है ना बेटा। तो कुआं जो होगा बेटा ये बनेगा ना क्लोज ऑर्गन पाइप, इसका मतलब इसमें कौन कौन सा हार्मोनिक होगा, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ है ना बेटा। दो लगातार का डिफरेंस फंडामेंटल का डबल होता है ना, तो दो लगातार में कितना डिफरेंस आ रहा देखो तो 40 का, सो 40 इज डबल ऑफ फंडामेंटल, सो फंडामेंटल इज 20 है ना बेटा। तो सवाल कहता है कि फंडामेंटल क्या है, तो आ गया 20। हाउ डीप इज द वेल, 20 इक्वल टू वी अपॉन 12, वी पता है बेटा हमको, ठीक है। आगे बोलो, ये लिखा है G2 हर्षित, देखो भाई G2 में क्वेश्चन नंबर G2 कहता है बेटा, G2 कहता है कि टू आइडेंटिकल पियानो वायर्स हैव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। कहता है बेटा दो पियानो वायर्स मान लो, दोनों की फ्रीक्वेंसी है बेटा 600 हर्ट्ज। अब कहता है व्हेन केप्ट अंडर द सेम टेंस, जब सेंटेंस सेम है तो व्हाट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ वन वायर will lead to an occurrence of 6 beats per second। कहता है बेटा टेंशन में फ्रैक्शनल चेंज कितना लाओगे कि बीट हो जाए 6 बीट पर सेकंड है ना बेटा। तो दो वायर हमारे पास है ना बेटा और दोनों का ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब v upon 2l है, बोलो है ना बच्चा। तो देखो तो
एफ जो हो ये प्रोपोर्शनल टू, देखना 1/2L ऑफ रूट टी बाई म्यू, बोलो तो बोल सकते हैं बेटा एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इंटू रूट टी। दोनों में से एक वायर का चेंज करो टेंशन, एक वायर का चेंज करोगे बेटा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज करेगी ना। चलो इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करें बेटा डी एफ बाई डी टी के 1/2 रूट टी। अब डी टी को हटाओ और यहां ले जाओ और इन दोनों को डिवाइड करो तो डी एफ बाई एफ इक्वल टू 1/2 टी था ना यहां पे 1/2 डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी। तो फ्रैक्शनल चेंज कितना हो गया डी टी अपॉन टी बराबर 2 डी एफ बाई एफ। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ये होता है बीट फ्रीक्वेंसी, यह 6 और यह बट्टा 600 निकल गया। ठीक है आगे बोलो जी में और कोई डाउट। मनीष सिंह थर्ड, ठीक है तुम्हारा भी थर्ड ही है। देखो बच्चा थर्ड में G3 क्वेश्चन नंबर G3 कहता है बेटा ए मेटल वायर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर। एक वायर लिया जाए, वायर की डायमीटर है बच्चा 1 मिलीमीटर, डायमीटर हमारा इसका 1 मिलीमीटर। अब कहता है बेटा हेल्ड ऑन द टू नाइफ एजेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई हो गई बच्चा 50 सेंटीमीटर। द टेंशन इन द वायर, वायर में जो टेंशन है बेटा ये हमको दिया है 100 न्यूटन। ठीक है द वायर वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ए वाइब्रेंट ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकेंड, है ना बेटा। वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, है ना, इक्वल टू 5 बीट्स पर सेकेंड, है ना बेटा। लेकिन ये भी तो हो सकता है एफ स्ट्रिंग माइनस एफ ट्यूनिंग फॉर्क इज 5, बोलो कौन सा बड़ा है नहीं पता। आगे सुनो, अब कहता है बेटा द टेंशन इन द वायर इज इंक्रीड्यूस्ड 281 न्यूटन, है ना बेटा। The tension in the wire is then reduced to 81 newton. When the two are excited, beats are again heard at the same rate. ठीक है बेटा देखो, अब मैंने पहले टेंशन कितना था बच्चा 100, स्ट्रिंग के टेंशन को कम करके कर दिया बेटा हमने 81, लेकिन फिर से बीट फ्रीक्वेंसी सेम आई, है ना। अब सोचो इस वाले में अगर स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग के फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम करेंगे बच्चा तो डिफरेंस तो लगातार बढ़ता जाएगा ना, बोलो दोबारा 5 आएगा क्या, नहीं आएगा ना बेटा, तो ये तो नहीं हो सकता, बोलो, है ना। लेकिन यहां दिख रहा है स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कम करेंगे बेटा हम तो कम करते करते डिफरेंस 0 हो सकता है और फिर नेगेटिव में बढ़ेगा वैल्यू तो दोबारा 5 आ सकता है, इसका मतलब ये वाला सही है, बोलो बात समझे ना। ठीक है तो पहले हमारा कितना था बोलो 100 था, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ मटेरियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। देख बच्चा तो ये वाले की बात करें हम लोग, जब पहले डिफरेंस कितना था वो 100, तो कितना लिखेगा 1/2L स्क्वायर रूट टी बाई म्यू, बोलो बेटा, माइनस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी इज 5, इक्वेशन नंबर 1, बोलो। ठीक है अब जब टेंशन बेटा 81 कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तो लिख देंगे बेटा एफ ट्यूनिंग फॉर्क माइनस 1/2L स्क्वायर रूट 81/μ इज इक्वल टू फिर से 5, बोलो। ठीक है तो इस इक्वेशन में क्या क्या अननोन है बच्चा, एफ टी म्यू और एल, लेकिन एल तो पता है, क्या बचा अननोन, सिर्फ 2, है ना बच्चा। तो यहां से एफ टू निकाल लो तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, है ना बेटा, ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। और अगर म्यू निकाल लेते हो, है ना, तो म्यू इज इक्वल टू, ध्यान देना, तो ऐसे बोल सकते हैं क्या बेटा, डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
ठीक है, तो म्यू तुम निकाल चुके हो, वायर का डायमीटर दिया है बेटा, डायमीटर से एरिया निकल जाएगा ना क्रॉस सेक्शन का, तो रो निकल जाएगा बेटा, बोलो बात समझ गए? आगे बोलो, एच में, एच में कोई डाउट? एच सिक्स, हर्षित पूछा एच सिक्स, देखो बेटा एच सिक्स में क्वेश्चन नंबर एच सिक्स, क्वेश्चन नंबर एच सिक्स कहता है बेटा, अच्छा एच थ्री पूछना है किसी को, तो पहले एच थ्री देख ले बेटा। एच थ्री कहता है ए सोर्स ऑफ सोनिक ऑसिलेशंस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज मूव्स एट राइट एंगल टू ए वॉल विद ए स्पीड ऑफ 0.17 मीटर पर सेकेंड। कहता है बेटा एक सोर्स मान लो है ना बेटा, ये मूव कर रहा है 0.17 मीटर पर सेकेंड इस वॉल के परपेंडिकुलर, इस वॉल के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है बेटा। अब कहता है टू स्टेशनरी रिसीवर्स R1 एंड R2 आर लोकेटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन कॉन्साइडिंग विद द ट्रेजेक्टरी ऑफ सोर्स, द फॉलोइंग सक्सेशंस R1 सोर्स R2 वॉल, इसका मतलब इस तरफ हमारा है बेटा R1 और इस तरफ हमारा है बेटा R2, ठीक है। अब कहता है विच रिसीवर रजिस्टर्स द बीटिंग एंड व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी, कहता है बेटा कौन सा ऑब्जर्वर को बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी है ना बेटा, और किसको कितनी सुनाई पड़ेगी है ना बेटा, देखना। तो चलो अगर R1 की बात करें है ना बेटा, R1 की बात करें तो देखो बेटा R1 का ये पोजीशन और ये बच्चा सोर्स 0.17 मीटर पर सेकेंड से सोर्स दूर जा रहा है, बोल बेटा 0.17 मीटर पर सेकेंड सोर्स दूर जा रहा है ना, तो ये कितना सुनेगा फ्रीक्वेंसी, तो कहेंगे सुनेगा F1 इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा V अपॉन V माइनस Vs इनटू F, बोलो बेटा है ना। अब देखो बच्चा ये R1 और ये सोर्स है ना बेटा, यहां जो वाल है बेटा वाल से साउंड रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे भी तो आ सकता है, बोलो साउंड इसके पास, बोलो ऐसे भी आ सकता है बच्चा, तो अगर ऐसे भी साउंड आएगा इसकी बात कर लेते हैं, तो देख बेटा यहां पे बात करें पहले तो कहेंगे ये सोर्स ऐसे मूव कर रहा है तो इस वाले यहां प्लस होगा ना, ये दूर जा रहा है ना। अब यहां देखो ये सोर्स इसके पास आ रहा है बेटा, तो इसके पास फ्रीक्वेंसी वो क्या सुनेगा V अपॉन V माइनस 0.17 इंटू F, बोलो ये बेटा पास जा रहा है ना, ठीक। अब जो यहां गिरेगा बच्चा वही रिफ्लेक्ट होगा और जो रिफ्लेक्ट होगा वही ये सुनेगा क्योंकि ये भी रेस्ट में है ना। अब तुम देखो इन दोनों की वैल्यू की बात, वैल्यू सेम आएगा डिफरेंट आएगा बच्चा, डिफरेंट आएगा ना बेटा है ना, इसका मतलब इसको बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी ना बेटा, इसका मतलब क्या कहेंगे रजिस्टर्स बीट, बोलो R1 को बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी है ना। अब चलो R2 की बात करें, फॉर R2 देखते बेटा R2 के लिए ये सोर्स और ये हो गया बेटा R2, ये डायरेक्ट साउंड सुनेगा ना, डायरेक्ट सुनेगा तो क्या लिखोगे F1 इक्वल टू V अपॉन V माइनस 0.17 इंटू F, पास जा रहा है, पास जा रहा है ना बेटा। अब देखो ये हमारा सोर्स ये R2, देखना बेटा साउंड इसको ऐसे भी सुनाई पड़ सकता है ना, बोलो जो वॉल्स रिफ्लेक्ट होके आएगा है ना। अब देखो ये सोर्स इधर जा रहा है बेटा, तो इस वाले को फिर से अप्रोच कर रहा है वाल को ना, तो फिर से क्या बोलोगे F2 इक्वल टू V अपॉन V माइनस 0.17 इंटू F, ये दोनों सेम ही आ गया, देखो दोनों रिजल्ट सेम है ना बच्चा, इसका मतलब रजिस्टर्स नो बीट, समझ में आई बेटा, ये बात समझ में आई है ना। लेकिन देखो इस सवाल को इस तरीके से थोड़ा लेंदी हो गया
है ना, ये भी करना पड़ा, वो भी करना पड़ा, है ना। ठीक है, देख बच्चा, सिर्फ ये पता करना हो कि बीटिंग है या बीटिंग नहीं है, है ना, तो रिफ्लेक्शन वाले केस के लिए, है ना, तुम ये सोचना, है ना बेटा, कि दो सोर्स है। कैसे? तो कहना इस तरह से कि देखो बेटा, सोर्स से साउंड आया, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया, है ना। इसी तरह का रिफ्लेक्शन अगर लाइट में होगा तो तुमको इमेज दिखाई पड़ेगा। बोलो बेटा, सामने की दीवार हो, लाइट अगर गिरती उसके ऊपर हो, रिफ्लेक्ट होके आती है, तुम्हारे आंखों तक पहुंचती हो, तो तुमको इमेज दिखाई देगा ना बेटा, है ना। जैसे मान लो फ्लैश लाइट, खड़े हो जाओ आईने के सामने, फ्लैश लाइट ऑन करो, फ्लैश लाइट अगर ऑन करते हो बेटा, लाइट गई, रिफ्लेक्ट हुई, अंदर चमकता हुआ दिखेगा। लेकिन ऐसा कोई भी पोर्शन जो तुम्हारे पीछे हो और जो डार्कनेस में हो, उसका इमेज नहीं आएगा, है ना बच्चा, है ना। तो सोचो, लाइट के रिफ्लेक्शन से लाइट का इमेज बनता है ना। तो कुछ देख ले, मान लो बेटा कि साउंड के रिफ्लेक्शन से भी साउंड का इमेज बनाएंगे हम, है ना। ठीक है, तो मान ले कि ये सोर्स की वजह से बेटा एक सोर्स का इमेज भी है, तो कहेंगे ये सोर्स का इमेज है। बोलो, ठीक है। जब ये इधर जा रहा होगा तो ये इधर आ रहा होगा, ठीक है, तब क्या कहेंगे, हमारे पास दो सोर्स हो गया, है ना। अब सोचो ये क्या बोलेगा, कि ये सोर्स दूर जा रहा है और वो सोर्स पास आ रहा है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग, क्लियर हो गया, बीटिंग मिलेगा। लेकिन ये सोर्स क्या बोलेगा, बोलो ऑब्जर्वर, ये भी पास आ रहा है, वो भी पास आ रहा है, दोनों सेम हो गया ना, नो बीटिंग, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, क्लियर। लेकिन बेटा इससे वैल्यू मत निकालना कि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ये निकालोगे ना तो आंसर गलत जाएगा, है ना। बस पता करना हो कि यस और नो का आंसर करने के लिए बेस्ट तरीका है, ठीक है। आगे चलो, वो लिखा है H6, देखो भाई H6, देख बेटा H6 में ये कहता है, सवाल क्या, A ट्यूनिंग फॉर्क P ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 7 बीट्स इन 2 सेकंड विथ अनदर ट्यूनिंग फॉर्क Q, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क बेटा Q, व्हेन Q रन्स टुवर्ड्स द वॉल विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, इट गिव्स 5 बीट्स पर सेकंड विथ इट्स इको, खुद के इको के साथ, ऑन लोडिंग वैक्स ऑन P इट गिव्स 5 बीट पर सेकंड विद Q। देखो बेटा, P और Q का डिफरेंस, तो कहता है FP माइनस एफ क्यू 7 in 2 सेकेंड, इसका मतलब एक सेकेंड में 3.5। लेकिन बच्चा ये भी तो हो सकता है एफ क्यू माइनस एफ पी बराबर 3.5, है ना। लेकिन दोनों सही नहीं है, दोनों में से एक ही सही है ना। कौन सा, पता करते हैं, सुनना। कहता बेटा ऑन लोडिंग वैक्स ऑन पी, पी पे वैक्स की दो चार बूंदे गिरा देंगे, है ना बेटा, इट गिव्स 5 beat per second विथ क्यू, ठीक है। बोलना बेटा, वैक्स गिराने से मास बढ़ेगा ना बेटा, फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड स्लो ज्यादा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो बोल तो, अगर मैं पी की फ्रीक्वेंसी को कम करूं तो डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा, पी कम होगा डिफरेंस बढ़ेगा, सही है। पहले 3.5 था, 5 हो गया, इसे बताओ पी कम करोगे तो क्या घटेगा ना डिफरेंस बेटा, इसका मतलब ये गलत है, हमारे पास एक ही इक्वेशन है, ठीक है। अब कहता है बेटा, अगर तुमने Q को वॉल की तरफ मूव करा दिया 5 meter per second से, तो अपने खुद के इको के साथ ये 5 beat per second दे रहा है। अगर ये Q का ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम वॉल की तरफ मूव करा दिया बच्चा 5 meter per second के स्पीड से, है ना, तो क्या कहोगे, साउंड जाएगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा। बोलो बेटा, है ना, यहां पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो कहोगे एफ क्यू इंटू वी बाई वी माइनस 5 पास जा रहा है ना। अब लौटेगा, लौटेगा तो क्या हुआ, इस फ्रीक्वेंसी का साउंड लौटेगा बेटा, इसी फ्रीक्वेंसी का साउंड लौटेगा ना बेटा, है कि नहीं। तो अब क्या होगा कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, उसके पास जा रहा है, तो फिर कहेंगे इंटू ऑब्जर्वर पास जा रहा है वी प्लस 5 बाई वी, ये भी कट गया। कहता है अपने खुद के साथ, इसका मतलब एक तो रिफ्लेक्टेड साउंड और एक खुद का साउंड माइनस एफ क्यू, है ना बेटा, इससे मिल रहा है कितना
सेवन था ना कि फाइव था? हाँ फाइव था बेटा, है ना, फाइव बीट पर सेकेंड। ठीक है, तो इक्वल टू फाइव, इक्वेशन नंबर टू। अब देख बच्चा इसे एफ क्यू निकाल ले, एफ क्यू निकाल करके यहां पुट कर दे, एफ पी निकल जाएगा। ठीक, अब जाओ पार्ट टू में आ जाओ बेटा। सेक्शन ए में कोई डाउट? सेक्शन बी, बी फोर, बी फोर कहता है बेटा वी आर एम एस का फॉर्मूला है बेटा, है ना। तो बताता हूं फॉर्मूला, को फॉर्मूला पता नहीं होगा, मुझे दिक्कत हुई। देखो आर एम एस वेलोसिटी होता है ना बेटा, ये होता है स्क्वायर रूट थ्री आर टी बाई एम। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल ये होता है स्क्वायर रूट टू आर टी बाई एम, और जो एवरेज होता है स्पीड ये होता है स्क्वायर रूट एट आर टी बाई पाई एम, और साउंड की वेलोसिटी होती है बेटा स्क्वायर रूट गामा आर टी बाई टू एम। ठीक है, गामा की वैल्यू जो होती है बेटा टू से अधिक नहीं हो सकती, हमेशा टू से कम ही होती है, गामा की वैल्यू टू से कम, हमेशा कम। तो फिर इससे भी कम हो गया वो, तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और ये सबसे कम है ना। ए टू पूछ रहा है शिवम, देखो बेटा ए टू में, अरे नहीं पूछिए, आगे सिंबल है वाटर रिपल्स की 20.21 वेवलेंथ हमारा 15 मिलीमीटर, एम्पलीट्यूड 5 मिलीमीटर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पीस ऑफ कॉर्क पार्टिकल की बच्चा मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा ना। ठीक है, अब पूछ रहा है सीवन, सीवन कहता है साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई इज ग्रेटर बाई 3.0103 डेसिबल फ्रॉम अनदर साउंड ऑफ इंटेंसिटी 10 नैनो वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल वन, साउंड लेवल आई इन वाट पर मीटर स्क्वायर इज। एक तो बच्चा कहता है क्वेश्चन नंबर सी वन में कि एक साउंड की इंटेंसिटी आई है ना। ठीक, तो साउंड लेवल आई की इंटेंसिटी कितनी, कितना साउंड लेवल, तो कहेंगे इसका साउंड लेवल होगा 10 लॉग बेस 10 आई बाई आई नॉट, है ना बेटा। और एक दूसरा साउंड लेवल है, दूसरा साउंड लेवल क्या है एसीएल डैश, वो किसका 10 नैनो वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लॉग बेस 10 10 नैनो वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर बाई आई नॉट, है ना बेटा। तो कहता ये साउंड लेवल इसके साउंड लेवल से इतना बड़ा है ना बेटा, मतलब इसके साउंड लेवल को अगर मान लू मैं एस, तो ये कितना होना चाहिए, एस प्लस 3.0103। बोल बेटा, ठीक है, तो अब दोनों को डिफरेंस कर लें, दोनों इक्वेशन को डिफरेंस कर दो, तो ये माइनस ये करेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा 10 लॉग बेस 10 आई बाई 10 नैनो वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.0103, है ना, 10 से डिवाइड करो, है ना, तो जाएगा लॉग बेस 10 आई बाई 10 नैनो वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.30103। ये वैल्यू होती है बेटा एलएन टू की, है ना, नहीं नहीं एलएन टू नहीं, लॉग बेस टू, ये वैल्यू होती है लॉग बेस टू की, है ना। ठीक है ना, इसका मतलब इतना इक्वल टू टू। ठीक, आगे चलो सेक्शन डी में, डी वन, डी वन, व्हाट हैपेंस व्हेन ए साउंड वेव इंटरफेयर्स विद अनदर वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कहता है बेटा क्या होगा जब एक साउंड वेव दूसरे साउंड वेव से इंटरफेयर करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस कांस्टेंट है ना, तो क्या होगा बेटा, या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा या कुछ और होगा, है ना। वो डिपेंड करता है ना कि फेज डिफरेंस कितना है, अगर फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव, और अगर पाई का इवन मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव, है ना। तो पहला ऑप्शन लिखा है एनर्जी इज गेन्ड
दूसरा लिखा एनर्जी इज लॉस्ट, तीसरा कहा था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अकर्स चेंजिंग विद टाइम, गलत, चेंज नहीं करेगा ना बेटा, जो जहां मैक्सिमा हमेशा वही रहेगा ना, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा ये, तो कोहेरेंट सोर्स होगा, है ना, तो आंसर डी, ठीक है। फिर लिखा इवन, इवन क्या, देखो व्हेन अ साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए वॉल द फेज डिफरेंस बिटवीन, तो कॉन्सेप्ट है बेटा ये, तो साउंड वेव अगर रिफ्लेक्ट करता है बेटा वॉल से तो फेज डिफरेंस इंसिडेंट और प्रेशर में जीरो होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेव का फेज चेंज करता है पाई, है ना, और प्रेशर वेव का जीरो। अब G2, इसका मतलब ऐसे ही पूछ रहा है बिना बनाए, अभी तो पैसा वसूल रहा है क्या, दिया ही था होमवर्क, तो चल आगे कर गया ना बेटा, एक्सरसाइज वन खत्म कर लेना पूरा, और क्या कर लोगे बताओ, एक्सरसाइज टू पार्ट वन, बहुत बड़ा है, ठीक है चलो इतने खत्म करो, एक्सरसाइज टू पार्ट टू, एक्सरसाइज वन पार्ट वन, एक्सरसाइज वन कंप्लीट, साउंड वेव एक्सरसाइज वन कंप्लीट, चल बाय बच्चा।